मारीना संदेश लाइव। आज हम मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब के साथ। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो इस समय 3 मई के बाद 4 मई को जो थोड़ा छूट मिली लॉकडाउन में, उस पर हम थोड़ा आपकी राय जानना चाहते हैं कि किस तरह की छूट है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। देखिए, जो जिस छूट का ऐलान सरकारी गाइडलाइन में आया, जो जोन वाइज दिया गया कि ग्रीन और ऑरेंज और रेड के लिए, तो उस पूरा जो आदेश आप उसको पढ़ें और तो जो जो जनपदों में जो लागू किया गया, दोनों में अंतर है। तो पहले तो ये है कि इस पर और विचार करने की ज़रूरत है कि कारोबारी व्यवस्था को चालू करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हालात बहुत दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। और दूसरा ये कि लोगों को ले आने ले जाने के लिए तमाम नंबर तो दे दिए गए कि ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करिए, मगर उन नंबरों पर कोई नंबर उठाता नहीं है, या उठाता है तो संतोषजनक जवाब नहीं देता है। तो ये व्यवस्था बिल्कुल जो ले आने के लिए, जो लोग फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उनको ले आने के लिए बेहतर इंतज़ाम नहीं है, इस इंतज़ाम को और बेहतर करना चाहिए। अब एक चीज़, जैसे जो बिक्री वाली जो चीज़ों में जो छूट दी गई, तो जैसे मऊ में दिया गया कि जो धागे की 4 दुकानें खोलने के लिए, तो वो धागा व्यवसायियों ने उस पर आपत्ति की कि भाई चार कैसे सिलेक्शन होगा, कौन लोग खोलेंगे। साड़ी के बिक्री का ट्रांसपोर्ट आप चालू नहीं कर रहे, माल हमारा जाएगा नहीं, माल जहाँ जाना है वहाँ की स्थिति अभी हालात ठीक नहीं है, तो धागों का क्या करेंगे हम। इस बात जब हमारी साड़ियाँ ही नहीं बिक रही, तो धागे का क्या करेंगे। धागों, अच्छा धागे भी तमाम रास्तों में, कहीं गाड़ी रुकी हुई है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ आगे फंसी हुई हैं, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। मैं तो न्यूज़ देख रहा था, तो सरकार का ज़्यादा फोकस इस बात पे था कि जो मधुशाला है वो चालू होनी चाहिए, पाठशाला बंद मधुशाला चालू। शराब को तो इस्लाम ने ख़ास तरीके से कहा है कि उम्मुल खबाइस है, यानी बुराइयों की जननी है। मैं एक आपको छोटा सा वाकया बताऊं, तो इसमें शायद आपको बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी। कि एक मरतबा एक आदमी को कहीं पकड़ा गया, तो उससे कहा गया कि तुमको छोड़ दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि ये 3 काम तुमको बताए जा रहे हैं, और इन तीनों में से कोई एक काम तुमको करना है। तो एक कमरे में ले गए, तो एक कमरे में एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, और एक तरफ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, और एक तरफ शराब की एक गिलास में शराब रखी हुई थी। तो उसमें कहा गया कि तुम या के इस शराब के इस गिलास को शराब में पियो, या इस बूढ़ी औरत की हत्या करो, या इस नौजवान लड़की के साथ रेप करो। तो उस वो शरीफ आदमी था, उसको समझ में आया कि मैं शराब पी के ही अपनी जान छुड़ा लूँ, तो उसने शराब पी ली, और जब शराब का नशा उसको चढ़ा है, तो फिर उसको नौजवान लड़की की खूबसूरती दिखाई देने लगी, तो उसने लड़की का रेप करने का प्रयास किया, और जब उसने रेप का प्रयास किया तो उस बूढ़ी औरत ने उसको रोकना चाहा, तो उसने बूढ़ी औरत की हत्या कर दी और फिर उस लड़की के साथ रेप किया। ये है शराब। तो शराब की इजाज़त देना, शराब पे तो बैन लगना चाहिए भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री को भी तो पैसे की ज़रूरत थी, वो तो हमसे ज़्यादा भी गरीब प्रदेश है, बिहार तो हमसे ज़्यादा भी गरीब प्रदेश है, क्या उसको पैसे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं सलाम करता हूँ नीतीश जी को कि उन्होंने बोल्डली एक फैसला लिया और शराब पर पाबंदी लगाई। तो पाबंदी तो अगर आप नहीं लगा सकते, तो कम से कम आज के ज़माने में कि शराब की इजाज़त तो मत दीजिए। तो अब आप बताओ कि इस ऐसे स्थिति में, जबकि लोगों के घरों में खाने को नहीं है, तो गरीब परिवार में ही ज़्यादा आप जानते हैं कि शराब का इस्तेमाल जो है, जो बहुत पिछड़ी जाती है उनके पास ज़्यादा है जी। तो अब उनके पास कुछ पैसा मिलेगा तो घर में वो अनाज ले जाने के बजाय वो शराब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सरकार का तो एकदम इंतहाई दर्जे गलत ये फैसला है। सरकार की दुकानें तो कत्ते नहीं खुलनी चाहिए। मैंने देखा कि आज भी आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे, मैंने सुना है कि कुछ जगहों पे जी लोगों ने शराब के नशे में उत्पात मचाया है। ये वो सब वीडियो है किसका? ये कोरोना जो निकला है वो चाइना से। कहाँ जाना है आपको? चाइना? वुहान? अरे वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो चाइना में वायरस निकला हुआ है। उसका उत्तर बताइए। अच्छा, तो आप चाइना जाना चाहेंगे? आप बताइए, चाइना जाएंगे आप? चाइना 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 आपको चाहिए।
आप हम पहुंचा दें आपको, आपका बेगू बन रहा है, आप भले की क्या बन रहा है। वो बात नहीं है साहब, क्या आप बड़े साहब है, तुम्हारे बेगू बना रहा है। मैं कह रहा हूँ आप चाइना जाना चाहेंगे, हम नहीं जाएंगे। हट गया कौन सा सर, आप पुलिस एक दिन में 4 अरब रुपए एक दिन में गिरता 4 अरब, इसलिए बंद नहीं हो रहा है। कैसे बंद होगा, सब दारू में ही तो विकास हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आई बी टू नोट के मोनली फूड टैक्स सिर्फ दारू में ही हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? घर। घर जा रहे हो? इतनी दारू कहाँ से पी के आए हो? नहीं। दारू इतनी काहे पिए हो भाई? गाड़ी तुम्हारी है? गाड़ी तुम्हारी है? क्या नाम है तुम्हारा? ए, नाम बताओ क्या है तुम्हारा? मनोज अग्रवाल नाम है तुम्हारा? अच्छा, डिजायर में लड़ाया, इधर लड़ाया उधर लड़ाया, कहाँ जा रहे थे, किस काम से निकले थे? घर जा रहे थे। निकले किस काम से थे? आजी भट्टी खुली, आजी दारू पी लिया कस के। क्यों? नहीं तो अब आप ये बताइए ना कि ये कहाँ से बेहतर हुआ सरकार का ये फैसला, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। भाई सरकार पैसा कमाने की मशीन नहीं है, आप समझ लीजिए, सरकार सेवा की मशीन है। सरकार को पैसा जैसे रेलवे का आपने टिकट लगा दिया, नहायत गलत फैसला है। बसों से बसें जो आ रही हैं, अभी एक बस कल आई थी वहाँ बिहार से, तो वहाँ बिहार में पैसा लोगों ने जमा किया है तब उनको यहाँ भेजा गया है। ट्रेनों का बाकायदा टिकट लिया जा रहा है। आप बताइए कि ऐसे हालात में जब लोगों के पास खाने को नहीं है तो वो ट्रेन का टिकट कहाँ से आदमी खरीदेगा, या वो कर्जा ले चाहे परेशान हो। ऐसे हालात में बड़ी व्यवस्था करके सरकार को सबसे पहले लोगों को घरों तक पहुँचाना चाहिए। बाकी तो एक बड़ी महामारी है, इस महामारी में सब लोगों को एक साथ खड़े होना चाहिए, मिलजुल कर, और खड़े ही हैं। लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं उसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है, और सरकार को दिल बड़ा करना चाहिए, अभी आमदनी की नहीं सोचना चाहिए, अभी जनता को सुविधाएँ पहुँचाने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। जैसा कि मालूम है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही काफी डैमेज चल रही थी, लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था काफी निचले स्तर पर आ चुकी है, तो इस अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सरकार का यह कदम था कि आबकारी विभाग से शराब को चालू किया जाए और जैसे कि सरकारी ट्रेन या बस को चला करके कुछ इनकम होगी, अर्थव्यवस्था कुछ दुरुस्त होगी। इसके लिए क्या कहना आपका? भाई मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार पैसा कमाने की मशीन नहीं, सेवा करने का तंत्र है। तो सरकार को अगर बिजनेस ही करना है तो फिर जो समझ में आए वो करे, लेकिन ये कि सरकार अगर कारोबार ना करे, अभी अभी जो हालात हैं, अभी जनता की सेवा, अभी आप दूसरे मुल्कों के आंकड़े को देखिए, भले ही वो मुल्क हमसे बहुत ज़्यादा संपन्न है, तो आर्थिक हालात पे सरकार तो कभी चर्चा करती नहीं। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि हमारी आर्थिक हालात कैसे सही हो। ये तो कोरोना के पहले भी बहुत सारे लोग इस बात को बार बार उठाते रहे हैं कि आर्थिक हालात पर सरकार को गंभीरता से चर्चा करना चाहिए, आर्थिक हालात कैसे सही होंगे। तो क्या इस बात को मानने में सरकार की बात मानना पड़ेगा कि सरकार के कुछ जो पिछले फैसले हैं उन्होंने आर्थिक हालात को बहुत बिगाड़ा है, और जब से जो कमर टूटी है नोटबंदी के बाद वो आज तक कमर सीधी थोड़ी ना हो रही है। तो सरकार को सारे जो राजनीतिक दल हैं उन सारे लोगों के साथ बैठकर और जो अच्छे एक्सपर्ट हैं उन लोगों की बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, वरना ऐसे तो और तबाही हो जाएगी और आम आदमी उसको समझ भी नहीं पाएगा। अभी 68,000 करोड़ रुपया कई लोगों का सरकार ने माफ़ किया इसी कोरोना के ज़माने में ही, वही 68,000 करोड़ रुपया अगर आप जनता के ऊपर खर्च कर देते तो जो दूसरे शहरों में बिलक रहे हैं भूख के मारे उन तक खाने के लिए अनाज जरूर पहुंच जाता, और ट्रेनों का आपको टिकट नहीं लेना पड़ता।
अब एक आखिरी सवाल ये करना है कि सुनने में आ रहा है, काफी चर्चा का विषय बना था, कि आपकी गर्दन में काफी तकलीफ हो गई है और उसका कारण बताया जा रहा है कि आपके ऊपर इतना मुकदमा लादा गया है कि दिमागी टेंशन से ऐसा हुआ है, इसकी क्या सत्यता है? तेरे जुल्म की इंतहा देखता हूँ मैं, तो देख रहा हूँ कि कितना जुल्म हो रहा है और कितना लोग मुकदमा कर रहे हैं, बात की बात में मुकदमा कर दे रहे हैं। जिस बात को हम 3 बजे बोलते हैं और छोटी सी बात बोलते हैं, उसी बात को जो 11 बजे बोलते हैं लोग फोटो के साथ, उन पर मुकदमा नहीं होता और जो छोटी सी पोस्ट हो जाती है मुकदमा हो जाता है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या कहीं मिस्टेक हो, जल्दी से मुकदमा कायम कर दिया जाए, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी ये सब मौका नहीं है, अब कोरोना से पहले निपट लें तो इस पर चर्चा की जाएगी। अब देखिए इस पर भी कहीं मुकदमा न लिख दें, क्योंकि मुकदमा तो कब लिख रहे समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 5-6 महीने में 5 मुकदमा हो चुका है मेरे ऊपर, अब सब लाइनी टाइप का बेकार का, किसी कोई वजह नहीं उसकी। सब में आपकी संलिप्तता रही होगी? अब मेरे हिसाब से तो मेरी कहीं संलिप्तता नहीं है भाई। आप बताओ कि मैंने अगर एक जुमला ये बोल दिया कि अगर आप यहाँ कोटा के लोगों को छोड़ रहे हैं तो जो बच्चे आप देवबंद से आ रहे हैं उनको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? मैंने तो यही कहा ना कि सरकार को विरोध कोरोना से लड़ना चाहिए और सबको एक नज़र से देखना चाहिए, तो इसमें कोई अपराध थोड़ी नहीं भाई। जो सच बात है, इस सरकार और देश दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार के खिलाफ तो सरकार की जो भी गलत पॉलिसियाँ होंगी हम बोलेंगे, अब जितना आप को जो समझना वो करिए। लेकिन अभी तो सरकार के जो आदेश हैं, जो अनुपालन है, जो प्रशासन है, जो शासन है, जो भी उसके दिशा निर्देश हैं, उसका हमको सबको पालन करना है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, सबके साथ मिलकर लड़नी होगी। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।